हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे स्केलर क्वांटिटी और कैसे वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या डिफरेंस होता है, और लास्ट में हमने होमवर्क दिया था कि इस दोनों के बीच स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में दोनों को क्लासिफाई करना था, कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिया था। तो आज चलिए उसी को आगे देखते हैं कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी होगा और कौन सा वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो जिन लोगों को ये पता है, जिन लोगों ने बना लिया वो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो इसको देखेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और जो बनाया है वो भी देखेंगे, रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। और इसमें कुछ नए पॉइंट्स जोड़े जाएंगे वो आप लोग लिख लीजिएगा, वो आगे 11-12 के भी काम में आएंगे, क्योंकि वो 11-12 के पॉइंट्स हैं, ठीक ना। तो आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसको इधर स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी बना लेते हैं, ठीक ना, टेबल बना लेते हैं। आप लोगों को आ रहा था कि यहाँ पर इस जगह पर एग्जैक्ट लाइक इस जगह पर लाइट चमकता है, बोर्ड चमकता है, तो आज मैंने एक लाइट ऑफ कर दिया है। तो आप लोग रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि क्या आप ठीक है, देखने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, और इस प्रकार से टेबल बना लेते हैं तो ठीक रहेगा, ठीक ना। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस के बारे में हमने सबसे पहले बात क्या पढ़ा था कि कोई भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का टोटल लेंथ जो होता है उसको डिस्टेंस कहा जाता है। इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी में डिवाइड करते हैं। तो डिस्टेंस जो होगा हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच सबसे छोटा जो लेंथ होगा उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और वो सबसे छोटा लेंथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में इधर साइड से यहाँ से मान के चलिए ए पॉइंट से शुरू किया और बी पर जाना है, तो यहाँ से शुरू किया इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन और ये स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये डायरेक्शन हो गया हमारा। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को रखा जाता है वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी में इसको रखेंगे। अब देखिए स्पीड को, तो स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यही होता है ना इसका डेफिनेशन। तो स्पीड भी हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो वो वेलोसिटी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद टाइम, अगर आपको बोल दिया जाए 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5:04, तो अगर ऐसा बोल दिया जाए तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ अमाउंट बताया जा रहा है। तो अमाउंट सिर्फ जिसमें बताया जाए उसको सिर्फ हम रखेंगे स्केलर क्वांटिटी में, डायरेक्शन नहीं बताया जाए। तो ये टाइम हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए वेट, वेट क्या होगा। वेट के लिए हमने पढ़ा था कि वेट जो होता है एक प्रकार का फोर्स होता है, किसके द्वारा लगाया जाता है। वेट एक प्रकार का फोर्स होता है जो कि सरफेस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाता है, ठीक ना। ये नीचे के डायरेक्शन में लगाया जाता है, और mg इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था mg, ठीक ना। और g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये एक प्रकार का फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो डायरेक्शन इसका दे दिया तो ये हो जाएगा वेट का चीज वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन वहीं पर अगर आपको बोल दिया जाए 50 केजी का ये कोई भी ऑब्जेक्ट, 50 केजी का है, 40 केजी का है, 20 केजी का है, 5 केजी का है, तो उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ अमाउंट बताया गया है, मैग्नीट्यूड बताया गया है। तो इसमें सिर्फ अमाउंट यानी कि मैग्नीट्यूड बताया जाए उसको हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, तो मास हो जाएगा। अब आती है बात एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी चेंज करने का जो रेट होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का आपने पढ़ा था फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू किसके टाइम के, ठीक ना, बाय टाइम। तो
एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके पास डायरेक्शन होगा, तो ये डायरेक्शन जिसके पास है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब देखिए फोर्स आ जाता है, तो फोर्स क्या होता है कि आपने फोर्स के बारे में पढ़ा है कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब इसके बारे में हम समझेंगे कैसे, ऐसे तो समझ लेते हैं बोलचाल की भाषा में कि हाँ किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो डायरेक्शन होता है या तो आउटवर्ड या फिर इनवर्ड डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन जो होता है ये फोर्स का जो है डायरेक्शन हो जाता है, और उसके बाद वो वेक्टर क्वांटिटी में उसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर वेक्टर के अनुसार कैसे वेक्टर क्वांटिटी में, तो इसके लिए दो तीन पॉइंट्स लिखा दे रहे हैं, नोट लिखा दे रहे हैं, वो आप लोग लिख लीजिए जिसकी मदद से आपको आगे हेल्प होगी किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए। तो फोर्स क्या चीज है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। और अभी हमने क्या पढ़ा, मास क्या चीज है, स्केलर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन क्या चीज है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मास स्केलर और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या चीज होगा, वेक्टर। तो सबसे पहला इसमें नोट आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट होते हैं, सबसे पहला कि प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो देख लीजिए मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या चीज है, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा कौन सा क्वांटिटी आएगा, फोर्स, कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए तो ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब इसी में एक दो और नोट्स लिख लीजिए इसी के साथ ताकि आपको आगे हेल्प मिलेगा। तो वो क्या होता है दूसरा, ये तो था स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट, अगर दो स्केलर का प्रोडक्ट होगा तो क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर और डिवाइड ऑफ टू स्केलर इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर और डिवीजन ऑफ टू स्केलर, स्केलर इज, स्केलर टू से क्वांटिटी लिख दे रहे हैं, ठीक ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर और डिवीजन ऑफ टू स्केलर इज स्केलर क्वांटिटी, क्यों लिख दिए हैं सिर्फ आप लोग समझ जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक ना। अब दूसरी तीसरी बात, तीसरी पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये तीन पॉइंट्स की सहायता से हम लोग मैक्सिमम फॉर्मूला में उसके स्केलर क्वांटिटी होने या वेक्टर क्वांटिटी होने का पता कर सकते हैं, ठीक ना। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी, दो स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट या फिर किसी भी दो स्केलर क्वांटिटी का डिवीजन हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि किसी भी वेक्टर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही होता है। आप लोग ये याद रखिएगा कि वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दो वेक्टर को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन दो स्केलर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्यों,
तो इसके लिए रूल्स आते हैं जो कि आपको क्लास 11th में एक वेक्टर नाम का चैप्टर ही मिलेगा, वेक्टर नाम का। यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक मिल रहा है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन क्लास 11th में वेक्टर नाम से एक टॉप चैप्टर ही मिलेगा। उस चैप्टर को पूरा पढ़ना होगा, उसमें आपको अलग अलग रूल्स दिखाए जाएंगे, ठीक ना। तो अब देख लेते हैं आगे क्या होगा फोर्स के आगे। फोर्स के आगे है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम के लिए मैंने आपको सिंबल बताया था इस प्रकार से, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को ही मोमेंटम बोला जाता है। तो मास क्या चीज है? स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग अब अंदाजा लगा सकते होंगे ये तीनों पॉइंट्स की सहायता से कि मास है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर ये लिखेंगे ना, मोमेंटम लिखेंगे। ठीक है, तो आगे चलिए इंपल्स। तो इंपल्स के बारे में क्या चीज जाने हैं? इंपल्स, इंपल्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो होता है ये शॉर्ट इंटरवल के लिए फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, उसी को कहते हैं इंपल्स। दूसरे भाषा में इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उसी को इंपल्स बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्स इनटू टाइम। अब ये देखिए फोर्स क्या चीज है यहाँ पर? वेक्टर क्वांटिटी। और टाइम क्या चीज है यहाँ पर? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर होता है, आपको पता होगा। तो इसी प्रकार से इंपल्स क्या चीज हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, वर्क। वर्क के बारे में आपने क्या पढ़ा? वर्क के बारे में आपने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं, काम, वर्क डन बोलते हैं। तो फोर्स क्या चीज है? देखिए यहाँ पर फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा क्या चीज होता है? अभी मैंने लिखा है दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर ये वर्क क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। तो वर्क जो होगा स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक ना। और ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि अगर किसी भी चीज के बारे में बोल दिया जाए कि मैंने 5 जूल वर्क किया, मैंने 100 जूल वर्क किया, उसने 200 जूल वर्क किया, तो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। इसमें सिर्फ अमाउंट बताया जा रहा है कि इतना वर्क किया उतना वर्क किया, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी रखेंगे, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं, वर्क के बाद है हमारा एनर्जी। तो आप लोग पढ़े हैं कि वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी आपस में इक्वल होता है, जितना एनर्जी रहेगा उतना ही आप वर्क कर पाइएगा। तो एनर्जी को भी हम स्केलर क्वांटिटी में ही रखते हैं। तो एनर्जी को भी स्केलर क्वांटिटी में डिवाइड कर देंगे इसको। उसके बाद बचा पावर। पावर के बारे में क्या बोले थे हम आपको? कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यही ना पढ़े थे कि काम करने का जो रेट होता है उसी को पावर कहा जाता है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये दूसरा डेफिनेशन आप बोल सकते हैं पावर का। तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, काम करने का क्षमता टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर वर्क क्या चीज है? स्केलर क्वांटिटी। और टाइम क्या चीज है? स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने एक पॉइंट 2 नंबर में जो पॉइंट्स लिखाया वो कौन सा था? कि दो स्केलर का प्रोडक्ट या फिर दो स्केलर का डिवाइड हमेशा कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी ही होता है, ठीक ना। तो ये पावर जो है ये भी स्केलर क्वांटिटी है,
और ये भी स्केलर क्वांटिटी, तो दो स्केलर का डिवाइड हमेशा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। तो इसीलिए पावर क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और अंत में मैंने जो कल छोड़ दिया था एग्जांपल, उसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था करंट, क्योंकि मैंने बोला था कि ये करंट जो है सबसे पहला चैप्टर में पढ़ेंगे हम 10th के फिजिक्स में, और वो कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उसमें पढ़ना है हमको, तो उसको हम छोड़ दिए थे। इसीलिए छोड़ दिए थे क्योंकि इसमें आप लोग सोचते कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, अमाउंट भी होगा, मान के चलिए इसके पास अमाउंट तो होगा ही, कितना करंट आ रहा है ये सब चीज, और डायरेक्शन भी होगा कि किस डायरेक्शन में ये करंट जा रहा है, डायरेक्शन भी होता है करंट के पास, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए ज्यादा डिटेल में हम लोग चर्चा क्लास 11th में करेंगे, क्लास 11th में आपको पढ़ना है, लेकिन इसका छोटा सा पार्ट हम लोग 10th में भी देख लेंगे, लेकिन वो अभी नहीं देखेंगे, उसको हम देखेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 10th का हम पढ़ाएंगे और इस टॉपिक पर आएंगे, शुरुआत में एक दो क्लास में ही आ जाएंगे, तो उसके बाद हम इसको लेंगे, ठीक ना, फर्स्ट क्लास में ही ब्लॉक्स आ जाएंगे वहां पर, तो उसी में लेंगे, ठीक ना। तो करेंट को हम स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी नहीं, फिर भी क्यों नहीं, तो उसके लिए एक पॉइंट अभी जान लीजिए कि यहीं से एक और वेक्टर का डेफिनेशन इंप्रूव होता है, ठीक ना। अभी तक आपने क्या पढ़ा वेक्टर का डेफिनेशन, कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, जिसके पास डायरेक्शन होगा, उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अब आगे चल करके पढ़ना होगा क्लास 11th से 10th तक में, तो ये नहीं यूज होगा तीसरा रूल, लेकिन तीसरा रूल 11th में लागू हो जाएगा। और वो क्या होगा कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो जो है वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो करना चाहिए। एक लॉ होता है जिसका नाम वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल होता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और वो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो करेगा, उसी को हम वेक्टर क्वांटिटी में रखते हैं। करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल को ये फॉलो नहीं करता है। अब ये वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर जब चालू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कर लेंगे, और इसको डिटेल में वैसे ये सिलेबस जो है, ये चीज जो है 11th का टॉपिक है, इसके बारे में बस थोड़ा सा पढ़ लेंगे ताकि आपको नॉलेज रहे इसके, और इसके बारे में डिटेल में आपको क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक ना। और तो ये आप लोग लिख लीजिए, जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत बढ़िया बात है, और नहीं आया है तो अगर आपको कोई डाउट है, उम्मीद है कि यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगी, अगर फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो अब आगे देखते हैं। अब एक चीज मैंने ये तीनों जो पॉइंट्स बताया, इसको आप इसके लिए ट्रिक बता देता हूँ कि सबसे शॉर्ट में ट्रिक में कैसे याद रखेंगे, हो सकता है आप बाद में भूल जाइएगा कि स्केलर स्केलर का प्रोडक्ट, यानी वेक्टर वेक्टर का प्रोडक्ट, या स्केलर वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, आप कंफ्यूज बाद में कर जाइएगा, इसीलिए मैं एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, उस ट्रिक के जरिए आप इस दोनों को याद रखिएगा, ठीक ना, तो आप कभी नहीं भूलिएगा। तो देखिए क्या है वो ट्रिक। आप लोग एक चीज जानते ही होंगे कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं माइनस प्लस का जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में, कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक ना, ये सब चीज पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ट्रिक में क्या आप लोग पढ़ लीजिए, ऊपर मिटा दे रहे हैं इसको भी, तो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को पहचानने के लिए। तो देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या मान लेंगे,
सपोज स्केलर क्वांटिटी को यहां पर हम प्लस मान लेते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को हम यहां पर माइनस मान लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी को पॉजिटिव मान लिए और वेक्टर क्वांटिटी को हम निगेटिव मान लिए, ठीक ना। अब देखिए इसके लिए क्या है ट्रिक, तो देखिए स्केलर क्वांटिटी मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, स्केलर सिर्फ लिख रहा हूं, क्वांटिटी समझ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए स्केलर इंटू स्केलर, दो स्केलर का प्रोडक्ट, यानी कि अभी आपने क्या पढ़ा प्लस इंटू प्लस, क्या होता है प्लस ही होता है, यानी कि हमेशा ये स्केलर ही होगा। ये ट्रिक से मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी होगा। स्केलर और स्केलर का प्रोडक्ट स्केलर, जो कि अभी आपने पढ़ा था, और स्केलर का डिवाइड भी स्केलर, तो यहीं पर देख लीजिए प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई, प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, तो उसी प्रकार से प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी स्केलर इंटू स्केलर स्केलर हो गया। अब देख लीजिए स्केलर इंटू वेक्टर, स्केलर इंटू वेक्टर क्या चीज हो गया, स्केलर इंटू वेक्टर। यहां पर देखिए स्केलर क्या है प्लस और वेक्टर क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस हमने किसको सपोज किया है वेक्टर क्वांटिटी को, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर। तो स्केलर और स्केलर का प्रोडक्ट स्केलर, स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर। अभी इस ट्रिक से जाने ये प्लस है और ये भी प्लस, तो प्लस 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 हो गया, ये प्लस माने थे इसको हम माइनस माने थे, तो ये माइनस हो गया, हो गया ना। अब देखिए वेक्टर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट, वेक्टर को हमने माना था माइनस इंटू वेक्टर, इसको भी माइनस माने थे, वेक्टर को माइनस माने हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमेशा प्लस होता है, वेक्टर इंटू वेक्टर हमेशा स्केलर होगा, ठीक ना, वेक्टर बोला गया स्केलर होगा जो कि प्लस होगा, ठीक ना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो वेक्टर इंटू वेक्टर हमेशा स्केलर होगा। तो इस प्रकार के ट्रिक से आप याद रख सकते हैं तीनों को, ठीक ना, प्लस माइनस सपोज करके आप इस तीनों को याद रखिएगा, ठीक, इसको लिख लीजिए। अब आगे एक चीज इम्पोर्टेंट चीज है उसको देख लेते हैं। देखिए स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होगा, ये तो आप लोग जानते हैं बहुत दिन से, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये। अब देखिए इसका सिंबल कैसे होगा, तो ये जो होता है ये एरो, ये होता है ना, तो इसको बोला जाता है, ये जो डायरेक्शन वाला एरो है इसको बोला जाता है हेड, और ये जो होता है ये पॉइंट इसको बोला जाता है टेल, ठीक ना, और इसी को दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, एक ये हो गया और ये एक ये हो गया, इसी को अलग कर दिए, तो इसको जो बोला जाता है यही होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन बोला जाता है, और इसको बोला जाता है क्या चीज, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को आप अमाउंट भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड को आप अमाउंट भी बोल सकते हैं। तो ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन था कि ये कैसे होता है क्या होता है, ये डायरेक्शन एरो जो होता है ये डायरेक्शन बताता है, और इसका जो रेस्ट पार्ट होता है ये मैग्नीट्यूड होता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा फिजिक्स का बेसिक क्लास, जो कि अभी तक के लिए पीछे से लेकर के आए यहाँ तक और आगे चल करके काम देगा, ठीक ना। तो यहीं पर हमारा फिजिक्स का क्लास, बेसिक क्लास खत्म होता है, और अगर कुछ इसमें आपको अगर पूछना है तो आप मुझे फोन कर करके, मैसेज करके, या फिर कमेंट में, या फेसबुक पेज पर जाकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये हमारा लास्ट फिजिक्स का क्लास था, और अगले वीडियो से हम चालू कर रहे हैं केमिस्ट्री का टॉपिक,
तो केमिस्ट्री का सबसे पहला बेसिक क्लास में सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेकर के आएंगे केमिकल फॉर्मूला। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है ये केमिकल फॉर्मूला लेकर के आएंगे, ये होगा केमिस्ट्री बेसिक क्लास। केमिस्ट्री का बेसिक क्लास में केमिकल फॉर्मूला टॉपिक के साथ सबसे हम पहले आएंगे, इसका बेसिक देखेंगे, कंपाउंड क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होते हैं, अलग अलग कंपाउंड जैसे कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड्स के लिए इसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे इसका नाम दिया जाता है, किस फॉर्मूला को किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक ना। जैसे कि मान कर चलिए कि Na और Cl इस दोनों को मिला दिया गया, दोनों को रिएक्ट करवाया गया, तो इसका केमिकली नाम इसका क्या होगा, केमिकल नाम क्या, नेम क्या होगा इसका, ये चीज हम पढ़ेंगे कि कैसे नाम होगा, किसके पीछे कौन सा सफिक्स प्रीफिक्स क्या लगता है, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। तो फिजिक्स का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं हम, और केमिस्ट्री के क्लास में अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ा कीजिएगा, रिवाइज किया कीजिएगा, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखा कीजिए, और जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक किसी के माध्यम से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पीछे क्लास छोड़िए मत, कोई भी क्लास छोड़िए मत, क्योंकि हर एक क्लास इम्पोर्टेंट है। और अगले वीडियो में मिलते हैं हम केमिस्ट्री के बेसिक क्लास के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।